ग्वालियर में एक 26 वर्षीय महिला की उसके ही घर में हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार दोपहर की है। घटना के समय महिला का 1.5 साल का बेटा उसके ही पास था। दोपहर बाद जब महिला का पति घर पहुंचा तो पत्नी मृत पड़ी थी। उसका 1.5 साल का बेटा मां की मौत से अनजान उसके पेट पर उछल कूद करते हुए मिला है। घर से करीब 10 तोला सोना व 50,000 रुपए नकदी चोरी है। पत्नी को इस तरह पड़ा देखने के बाद पति उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने महिला का चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना लगते ही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर जा पहुंचे, जहां महिला के शव को पीएम हाउस भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के जनकगंज स्थित अयोध्या नगरी गली नंबर 2 में रहने वाली मनीष शर्मा की पत्नी माला शर्मा की हत्या हुई है। बताया गया है कि मृतक महिला का पति मनीष पुराने हाई कोर्ट के पास होटल सिटी ग्रैंड में मैनेजर है। रोज की तरह मनीष होटल जाने के लिए सुबह 11 बजे घर से निकला था। जब दोपहर 3 बजे घर वापस लौट कर आया तो घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी माला बेड पर पड़ी हुई थी और उसका 1.5 साल का बेटा उसके पेट पर खेल रहा था। घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और उसमें रखे 10 तोला सोने के जेवर व 50,000 रुपए नगद गायब थे, जिसके बाद पति आनन फानन में पत्नी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने महिला का चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना लगते ही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर जा पहुंचे, जहां मृतक महिला के शव की जांच पड़ताल कर पीएम हाउस के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि हो सकता है कि लूट करने वाले आए लुटेरों का महिला ने विरोध किया हो, इसलिए लुटेरों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और पूरा माल लेकर वहां से भाग निकले, पर पुलिस को वहां फोर्स एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस घर में महिला और उसका पति रहता है उसके ऊपर वाली मंजिल में उसके घर किरायेदार भी रहते हैं। महिला के साथ इतना सब कुछ हो गया और किरायेदार को महिला की हत्या होने की भनक तक नहीं लगी। CSP मुनेश राजोरिया का कहना है कि एक महिला की उसी के घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। हत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। मैं तो ड्यूटी चला गया था सुबह 11 बजे, 3 बजे वापस आया तो ये मेरे को मृत लाश में अपने बेडरूम में मिली सर। इनका माला शर्मा है। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसके बाद घर आए, इनका मोबाइल नहीं मिला है, मोबाइल भी नहीं मिला। फिर हमने अलमारी वगैरह चेक करी है, वहाँ से पूरी ज्वेलरी कैश सब कुछ गायब मिले। 30-40 हज़ार रुपये कैश होगा और कम से कम 15 से 20 तोला ज्वेलरी होगी सर पूरी। एक महिला की हत्या करने के संबंध में सूचना मिली है, उस पर अभी मौके पर आए हैं और कार्रवाई चल रही है। बताइए।